1984 के सिख कत्लेआम से आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। किस तरीके से 1984 में सिखों का कत्लेआम किया गया, उस वक्त की सरकार और उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर किया गया। ना केवल ये एक प्री प्लैंड मैसेकर था, बल्कि इसके लिए सिखों के घरों को आइडेंटिफाई भी किया गया, उनको चिन्हित करके उनके घरों पर निशान लगाए गए और कितने ही लोगों के गलों में टैर डालकर आग लगा दी। और सिटीजन के साथ साथ बाकायदा बावर्दी आर्मी के लोगों को भी ट्रेनों से निकाल कर जलाया गया। ऐसा मंजर इससे पहले शायद हिटलर के जमाने में किसी ने देखा हो, लेकिन वहां भी गैस चैम्बरों में बंद करके मारे गए थे। सड़कों के ऊपर इस तरह का कत्लेआम शायद ही हिस्ट्री में किसी ने पहले देखा हो, जहां 8,000 से ज्यादा बेगुनाह सिखों को मारने के बाद राजीव गांधी बड़े फकर से दिल्ली की राजधानी के मंच पर बोलते हुए कहें कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस मानसिकता के साथ इन लोगों ने हम सिखों का कत्लेआम किया। लेकिन दुख और तकलीफ इससे भी ज्यादा इसलिए है, आज भी वो कातिल शरेआम घूम रहे हैं और निरंतर पिछले कई सालों से कांग्रेस ने उन कातिलों को अपने गले से लगाकर रखा है, जिनके हाथ सिखों के खून से लथपथ थे, उनको गले से लगाने का काम किया गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने। कमलनाथ को मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना, एचकेएल भगत को देश का बड़ा मंत्री बनाना, जिसने ज्यादा सिखों की गिनती गिनाई, क्योंकि उस वक्त 1984 में राजीव गांधी इस कत्लेआम के दौरान खुद गाड़ी में बैठकर, जो कि जगदीश टाइटलर का कन्फेशन स्टेटमेंट में था कि वो दिल्ली के इलाकों में गया और जाकर देखा कि किस लोकसभा में किसने ज्यादा सिखों का कत्लेआम करवाया, उनको मंत्री पद से निवाजा गया। और इस सारे घटनाक्रम के बाद बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी कमेटियां बनी, ट्रूथ फाइंड कमेटी बनी, कमीशन बने, और इन कमीशन और कमेटियों की रिकमेंडेशन पर जब 2005 में नानावती कमीशन ने रिपोर्ट जनता की और वो अगस्त 2005 में पार्लियामेंट में डिस्कस हुई, टेबल हुई, और उसमें नानावती कमीशन ने, जो नरूला रंजीत सिंह नरूला कमीशन ने भी कहा था कि जगदीश टाइटलर पे, सज्जन कुमार पे कार्रवाई होनी चाहिए, जब नानावती कमीशन ने उस कार्रवाई की बात कही, एक्शन लेने को कहा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जहां माफी मांगनी पड़ी, वहां ऑपोजिशन के दबाव के चलते सोनिया गांधी को टाइटलर से रिजाइन लेना पड़ा। अगर कांग्रेस इस बात से वाकिफ है 1984 के कातिल से 2005 में रिजाइन लिया जाता है, उसकी टिकट काटी जाती है, तो जब उसको तब हटाया जाता है तो उसके बाद उसको गले क्यों लगाया जाता है? हमें लगे कि कांग्रेस के अंदर बदलाव आ गया, क्योंकि गांधी परिवार तो कभी इन कातिलों से दूर रह नहीं सकता। उस वक्त की रणनीति बनाने में सोनिया गांधी, राजीव गांधी, ये प्रमुख तौर पर दोषी थे, क्योंकि सोनिया गांधी भी उस वक्त मौजूद थी घर पर जब ये सारी रणनीति बनाई जा रही थी, किस तरह से सिखों को मारा जाएगा, कौन उसकी जिम्मेवारी ले रहे थे, किन किन ने कहा था कि हम लोगों को लेके आएंगे, उनको कैसे केमिकल प्रोवाइड कराया गया, कैसे उनको फ्यूल प्रोवाइड किया गया आग लगाने के लिए, कैसे उनको घरों की लिस्ट प्रोवाइड की गई, सारी की सारी जानकारी सोनिया गांधी और राजीव गांधी को बखूबी जानकारी थी। यही कारण रहा अब तक कि सोनिया गांधी चाहकर भी ना सज्जन कुमार को हटा पाई पार्टी से, ना एचकेएल भगत को हटा पाई,
ना धर्मदास शास्त्री को हटा पाई, ना जगदीश टाइटर को हटा पाई। यहां तक जब हाई कोर्ट से चलते सज्जन कुमार को जेल जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने यहां तक टिप्पणी करी कि आपने ऐसे कातिलों को अब तक बचा के रखा क्योंकि इनके पीछे सरकार थी, सरकार की ताकत के चलते ये लोग अब तक बचे रहे। और ये सब तब हुआ जब एनडीए की सरकार बनी और भारत के प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलवाया सिखों को, हम इन कातिलों को जेल में डालें। मुझे दुख है आज भारत की सरकार इस प्रण के साथ एसआईटी बनाए, इस वादे के साथ कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर जेलों में डाले, और दूसरी तरफ कांग्रेस अपना वही राक्षसी रूप, कांग्रेस अपना वही राक्षसी रूप दोबारा से इख्तियार करे। जब खड़गे जी प्रधान बने कांग्रेस के, तो बीजेपी को ऐसा महसूस हुआ, हम सिखों को ऐसा महसूस हुआ, आम देश के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अब खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद 1984 के कातिलों को शायद कांग्रेस संरक्षण नहीं देगी। लेकिन यह भी गलत साबित हुआ, खड़गे जी ने भी गांधी परिवार के दबाव के चलते उसी जगदीश टैक्टर को जब वो ऑफिस टेक ओवर कर रहे थे बिठाया, और अब जब दिल्ली की इलेक्शन के लिए प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी तो आप ये देखिए किस तरह से 8 नंबर पर जगदीश टाइटलर, ये जगदीश टाइटलर नहीं है, हमें जगदीश टाइटलर से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है जगदीश टाइटलर 1984 के कातिल से, हमें आपत्ति है उस आदमी के नाम से जिसके हाथ सिखों के खून से लथपथ हैं, हमें आपत्ति है उस जगदीश टाइटलर के नाम से जिसने सामने खड़े होकर ना केवल सिखों को मरवाया बल्कि उसके बाद जो गवाह उसके सामने आना चाहते थे उनके ऊपर अत्याचार किया और उन लोगों को डराया धमकाया कांग्रेस के सरकार में, और पुलिस तक का इस्तेमाल करके उनको दबाने का काम किया। हमें आपत्ति ये है, हमें दुख भी है, हमें खेद भी है, और हमें इस बात का अफसोस भी है। आज 36-38 साल बीत जाने पर भी कांग्रेस के मन में और खास तौर पर गांधी परिवार के मन में जो सिखों के प्रति नफरत द्वेष, जो सिखों के प्रति वैर और जो घिरे हमारे प्रति कि हमारे कातिलों को वो अपने गले से लगाए, ऐसे वक्त पर जो वो देश में एक मुहिम चला रहे हो कि हम देश जोड़ो के नाम से मुहिम चला रहे हैं, हम देश को जोड़ना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी से सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, कातिलों को गले लगाकर देश को कैसे जोड़ा जा सकता है, कातिलों को संरक्षण देकर देश को कैसे जोड़ा जा सकता है, कातिलों को अपने साथ बिठाकर आप देश को कौन से जोड़ने की नीति बताने जा रहे हैं। इन कातिलों को अब तक आप बचाते रहे लेकिन कांग्रेस की कमांड खड़गे जी के हाथ में आने के बावजूद खड़गे जी अब भी एक बहुत पिछड़ी बहुत छोटे परिवार से निकले हैं। शायद आप इस दर्द को जरूर महसूस करते होंगे जब ताकतवर लोग अत्याचार करते हैं, लेकिन यहां तो ताकतवर लोगों ने एक पूरे रिलीजन के ऊपर एक कम्युनिटी को मैसेकर एक कार्नेज जब से उखाड़ देने का प्रण लेकर गांधी परिवार ने हमारे ऊपर हमला किया। और खड़गे जी आप भी वही निकले, हमें आपसे यह उम्मीद ना थी, हमें लगा था कि कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आने के बाद उन कातिलों को कांग्रेस के दफ्तरों से बाहर निकाला जाएगा, हमें लगा कि शायद अब गांधी परिवार का वह जश्न खत्म हो जाएगा और 1984 के कातिलों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कहा जाएगा तुम कातिल हो, तुम इस दफ्तर में नहीं घुस सकते, तुम कातिल हो, तुम हमारे हमारी पार्टी के अहदेदार नहीं हो सकते, तुम सिखों के कातिल हो, हम सिखों को गले लगाएंगे, हम सिखों के कातिल को गले नहीं लगाएंगे। हमें खड़गे जी ऐसी उम्मीद थी, ऐसी भावना थी हमारे मन में आपके प्रति, पर हमें बड़ा दुख हुआ है
यह जानकर कि खड़गे जी आपके अध्यक्ष बनने के बाद भी न तो कांग्रेस की सिखों के प्रति नफरत खत्म हुई, न तो गांधी परिवार को आप सिखों को संरक्षण देने से रोक पाए, हमें इस बात का खेद है, दुख है और अफसोस है। और मैं बड़े दुख के साथ आज ये कह रहा हूं, 38 साल हो गए, इतना बड़े कातिल को कांग्रेस अपनी चुनाव समिति में स्थान दे और दिल्ली के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब में 92 सीटों पर सिखों का साथ लेकर जीतने वाली पार्टी उसके मुंह में फेविकोल चले जाए। अरविंद जी आप भी हमारे अपने ना रहे, आपने तो वोटें ली अभी सिखों से, 92 सीटें आपने ली हैं और आपने तो बड़े बड़े प्रण लिए थे। अरविंद केजरीवाल जी आपने तो यह भी प्रण लिया था कि मैं 1984 के कातिलों को सजा दिलवाने में आपका साथ दूंगा, विधानसभा में आपने प्रण लिया था, उस स्पीकर हाउस में आपने प्रण लिया था, क्या हुआ आज आपका? यार हमें आपसे तो यह उम्मीद नहीं थी, आप भी इस घटिया राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे और कांग्रेस जब कातिलों के नाम पर वोट लेना चाहेगी तो आप हमारे हक में आकर खड़े नहीं होंगे। हमें आपसे उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमें उम्मीद इसलिए थी क्योंकि भगवंत सिंह मान पंजाब का वो स्टेट जहां से सबसे ज्यादा सिख हैं, सिख स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं भगवंत सिंह मान, हमें उम्मीद भगवंत सिंह मान जी से इसलिए थी, हमें अरविंद केजरीवाल जी से इसलिए उम्मीद थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने वोटें लेके वक्त हमारी माताओं बहनों को गले लगाकर ये कहा था कि मैं तुम्हें 1984 का इंसाफ दिलाने में साथ दूंगा, साथ देना तो दूर। केजरीवाल जी आप इस पे एक बार बोल भी ना पाए, आपने हमारे इस कातिल को जब कांग्रेस ने गले लगाया तो आपको जरा जितना भी दुख ना आया, आपको जरा जितनी भी तकलीफ ना आई, क्या हम आपके अपने नहीं? क्या दिल्ली के सिख अरविंद केजरीवाल जी के अपने नहीं, जिनके परिवारों के गलों में टैर डालकर आग लगाई गई? अरविंद केजरीवाल जी वो आपके अपने नहीं? आपने भी अभी उसी पार्टी के साथ नाता रखना बेहतर समझा जिसके हाथों में हाथ मिलाकर आप खड़े थे, उस गांधी परिवार के चलते आपने हमारे साथ द्रोह किया और उनके हक में बोलने के उनके खिलाफ बोलने की बजाय उनके हक में बोल रहे हो। हमें इस बात का भी अफसोस है, जहां खड़गे जी से हमें ऐसी उम्मीद ना थी वहां अरविंद केजरीवाल जी से भी हमें ऐसी उम्मीद ना थी। हमारा दिल भी टूटा है, हमें दुख भी हुआ है, हमें अफसोस भी हुआ है और हमें इस बात का यकीन भी हुआ है कि गांधी परिवार सिखों का दुश्मन था, है, रहेगा। बस अंतर इतना ही है कि आज उनका साथ देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को प्रश्न तो देखिए, मैंने आगे भी कहा अगर कांग्रेस का इतना ही प्यार था जगदीश टाइटर कातिल के साथ तो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने माफी मांगते हुए उसको विपक्ष के दबाव के चलते रिजाइन क्यों करवाया? अगर वो अक्यूज नहीं था तो 2 अगस्त 2005 में मंत्री 10 अगस्त 2005 को मंत्री पद से क्यों हटाया? और अगर मंत्री पद से हटाया, एमपी पद से हटाया तो फिर अब गले क्यों लगाया? दोनों समय में क्या अंतर आ गया? क्या अब जगदीश डायरेक्टर वो कातिल आपको ज्यादा अच्छा लगने लगा या तब क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही थी लोकसभा के माध्यम से, पूरी दुनिया की आप पे नजरें थी और आपने केवल और केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तब जगदीश डायरेक्टर को हटाया था और ये कहकर कि कोई बात नहीं हम तुझे अपने साथ गले लगा के रखेंगे, अभी मजबूरी है, क्या ये कारण था? और मनु सिंह भी जो कह रहे हैं उनको ये जवाब देना चाहिए कि तब कातिल जो था आज वो आपकी पार्टी का ये पार्टी कमेटी का मेंबर कैसे बन गया? जो 2005 में आपके लिए कातिल था वो 2021 की चुनाव 22 की चुनाव कमेटी का मेंबर कैसे बन गया? लेकिन आप सोचकर देखिए, एक पार्टी की इस कदर मानसिकता हो, हमारे प्रति ऐसी नफरत हो, बोले यार हमने बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया, सबसे बड़ा ओहदा नहीं दिया कातिल को, बीच वाला ओहदा दिया है, हमने उसको अध्यक्ष नहीं बना के कमेटी का बनाया, हमने उसको केवल मेंबर बनाया है, ये मानसिकता अगर आप रखें तो मैं इसका जवाब देने की अपने आप को स्थिति में ही नहीं समझ पा। अरे भाई हम तो हमारा तो कदम इन कातिलों को जेल में डालना है, हम आपको ये वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस कितना भी इस खूनी को अपने गले से लगाए हम इसको छीन कर ले जाएंगे और हम सज्जन कुमार के पास वहीं पे जेल में सज्जन कुमार है उसी जेल में टाइटर और कमलनाथ को छोड़कर आएंगे।
धन्यवाद, थैंक यू।